शर्मा। इस वक्त हम इलेक्शन कमीशन ऑफिस में मौजूद है, आप साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं। वहीं पर आम आदमी पार्टी के द्वारा प्रोटेस्ट जो है किया जा रहा है, आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं। और वहीं पर आपको बताना चाहिए कि काफी समय से कश्मीर में ना होने के कारण आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी में कितना आक्रोश जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी की कठपुतली बनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इलेक्शन कमीशन बीजेपी की कठपुतली बनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इलेक्शन कमीशन बीजेपी नेक्सस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इलेक्शन कमीशन बीजेपी नेक्सस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इलेक्शन कमीशन बीजेपी नेक्सस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इलेक्शन कमीशन बीजेपी की कठपुतली बनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इलेक्शन कमीशन बीजेपी की कठपुतली बनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय। इलेक्शन कमीशन हाय हाय, इलेक्शन कमीशन हाय हाय। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय। नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। आप देख सकते हैं साफ तौर पर तस्वीरों में कि आम आदमी पार्टी के द्वारा जो है वो प्रोटेस्ट किया गया। और वहीं पर आपको ये भी बताते चले कि काफी समय से जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जो है वो नहीं है, जिसके चलते ये प्रोटेस्ट जो है वो किया गया। और वहीं पर आपको ये भी पता चले इलेक्शन कमीशन ऑफिस में इस वक्त मौजूद है, जहां पर ये प्रोटेस्ट जो है वो किया गया है। बात करने की कोशिश करेंगे, सर क्या कहना चाहेंगे आप, इलेक्शन कमीशन ऑफिस में धरना प्रदर्शन आपने किया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठबंधन की वजह से यहाँ पर लोकतांत्रिक चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को विधानसभा चुनावों से वंचित रखा हुआ है। जम्मू कश्मीर में हर किस्म के चुनाव हो गए हैं। मैंने आपको हमने आपको बार बार साक्षात्कार में बताया है, रूरल लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो गए, अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो गए, मेंबर पार्लियामेंट के इलेक्शन हो गए, कि क्या कारण है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 4 साल से ज्यादा हो चुका है विधानसभा के चुनाव नहीं हो रहे। जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी देखो कहां पहुंच गई है, भ्रष्टाचार कहां पहुंच गया। क्या लगता है आपको कि इतना काफी समय हो चुका है कि इलेक्शन ना होने के कारण आपको क्या लगता है? भाजपा ने तो जम्मू कश्मीर को एक प्रयोगशाला बना के रखा है, नित नए कानून यहाँ थोप रहे लोगों के ऊपर, और जम्मू कश्मीर की जनता तो पांव के तले कुचल रहे हैं। आम आदमी पार्टी कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए आज हमने निर्वाचन भवन के बाहर प्रदर्शन रखा, ताकि ये बैरी सरकार, केंद्र सरकार, मोदी और शाह की सरकार के कान खुल सके। अभी तो कुछ 1.5 हफ्ता पहले जो आपके होम मिनिस्टर है, इन्होंने खुद कहा, अमित शाह जी ने, कि यहाँ पर अब जम्मू कश्मीर के अंदर मुझे लगता है कि चुनाव होने चाहिए, लेकिन मैं जो हूँ यहाँ की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूँ। आर्मी कहती है जम्मू कश्मीर के हालात ठीक है, पुलिस कह रही है कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक है, वोटर लिस्ट आज बन गई है आपकी, डिलिमिटेशन हो चुकी है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंस की, तो क्या कारण है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आप? रविंदर राणा जी कहते हैं कि इस बार 50 के पार, तो फिर इलेक्शन क्यों? इस बार बीजेपी का बोरी बिस्तरा लखनपुर के पार, दुखी हो गए लोग आपके स्लोगन से जी। आपको 50-50 सीटों की पड़ी है, सीएम के पड़ी है, लोग जनता त्राहिमाम मचा जम्मू कश्मीर के अंदर, युवा और महिला सड़कों पर बैठी है, व्यापारी सड़कों पर बैठा है, छात्र सड़कों पर बैठा है, आम जनता सड़कों पर है, परेशान है, परेशान है जनता। और जम्मू कश्मीर की जनता को अब चाहिए एक लोकतांत्रिक सरकार, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है बाबू राज, और बाबू राज आम आदमी पार्टी को कदापि बर्दाश्त नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को जो है बंधक बना के रखा है, संविधान को बंधक बना के रखा है, यहाँ पर चल रहा है मेरी मर्जी, ऐसा नहीं होगा। आम आदमी पार्टी ये इंश्योर करेगी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जल्द से जल्द जो है विधानसभा के चुनाव की घोषणा हो, और लोगों को एक लोकतांत्रिक सरकार मिल सके, ताकि लोगों के मिसाइल जो है वो हल हो सके। धन्यवाद जी। साफ तौर पर आप सुन चुके हैं कि किस तरीके से आक्रोश जो है वो आम आदमी पार्टी के लीडर्स की बात करें तो साफ तौर पर नजर आ रहा है। और वहीं पर आपको ये बताते चले कि जिस तरीके से रविंद्र राणा जी ने कहा था 50 के पार, लेकिन फिर भी इलेक्शन जो है वो नहीं हो रहे, और कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि मार्च अप्रैल में इलेक्शन जो है होने की संभावना है। लेकिन आक्रोश और गुस्से की बात करें तो साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लीडर्स में आक्रोश और गुस्सा जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। और वहीं पर काफी समय हो चुका है जिसके चलते इलेक्शन जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं
हो रहे हैं। और वहीं पर हर कोई यही चाहता है कि इलेक्शन जो है वो जल्द से जल्द हो। देखते रहिए चैनल वन, कैमरा पर्सन गोपाल के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।